नमस्कार, मैं हूं राहुल ठाकुर। गुजरात के राजकोट से शुरू हुआ क्षत्रिय समाज का विरोध प्रदर्शन अब धीरे धीरे देश के बाकी राज्यों में फैलता जा रहा है, चाहे वो राजस्थान हो, हरियाणा हो या उत्तर प्रदेश। इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश की अगर बात करूं तो मैं पश्चिमी यूपी में मौजूद हूं और ये लोकसभा क्षेत्र लगता है मुजफ्फरनगर और जिला लगता है मेरठ और विधानसभा लगती है सरदना। यहीं से राजपूत समाज के, ये कहूँ क्षत्रिय समाज के लोगों ने बीजेपी के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ सरदना विधानसभा के खेड़ा गांव में। और मैं ये कहूँ कि लगातार वेस्ट यूपी की जो सीटें हैं वहाँ पर लगातार क्षत्रिय समाज के लोगों की तरफ से, उनके प्रतिनिधियों की तरफ से, उनके नेताओं की तरफ से बीजेपी के खिलाफ पंचायतें की जा रही हैं और राजपूत समाज को एकजुट करने का आह्वान किया जा रहा है, ताकि इन लोगों का कहना है कि हम हर हाल में, हर सूरत में बीजेपी को हराएंगे। सबसे ज्यादा अगर किसी वजह से नाराजगी है तो वो है केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राजकोट से उम्मीदवार पुरुषोत्तम रूपाला के बयान से। हालांकि वो माफी मांग चुके हैं, लेकिन क्षत्रिय समाज की मांग है कि हर हाल में उनका टिकट काटा जाए और दोबारा से माफी मांगी जाए। इसी वजह को लेकर हम यहाँ पहुंचे हुए हैं लोगों से चर्चा करने के लिए कि उनकी क्या मांग है और वो अपनी मांग पर जिस तरह से डटे हुए हैं तो वेस्ट यूपी में क्या समीकरण बन रहे हैं, क्या वो वेस्ट यूपी में बीजेपी को कुछ डेंट दे पाएंगे, क्या वो बीजेपी का जो, या ये कहूँ कि यूपी में जो मोदी मिशन 80 का नारा बुलंद कर रहे हैं, मिशन 80 का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, क्या वो यूपी में मोदी के विजय रथ को रोक पाएंगे या फिर जो देश भर में मोदी के मिशन 400 का विजय रथ है उस पर कुछ असर डाल पाएंगे। इन्हीं चीज़ों को लेकर, इन सवालों को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे और उनसे बात करेंगे, उनकी नाराज़गी, उनके मुद्दे और उनकी जो भी वजह है, उनकी जो भी मांग है, इन्हीं सब को लेकर चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं ताऊ से शुरुआत कर लेता हूँ। नाम क्या है? सुधीर। क्यों नाराज़ हैं इतना ठाकुर साहब? सब नाराज़ है, हमारे गांव के बीच कर रखी ना भाजपा वालों ने। और क्या, किसने? भाजपा वालों ने। भाजपा तो कह रही है छत्र समाज हमारा साथ है, एकदम से 20 साल में ऐसा क्या हो गया? 20 साल पहले, 20 साल से तो वोटर है आप लोग। खेड़ा गांव ऐसा ही से तो भाजपा की नींव जमी थी और ही से भाजपा की नींव उखाड़ेंगे यहां। कैसे? भाजपा को यहां से साफ करेंगे, हरेंद्र मलिक को जिताओगे। हरेंद्र मलिक को मुजफ्फरनगर से जो है सपा के? हां सपा के। अच्छा, आपको नाराजगी बताई भाई साहब, अभी आप बहुत कुछ बता रहे थे, पूरा ऐसा लग रहा था बहुत गुस्सा है आपके अंदर। भाई कैमरा उधर है हमारा, कैमरा उधर है, कैमरा उधर बोल के आज वो सभी खिलाफ चल रहा है। माइक ले लो आप, हाँ बोलते रहो। और इसमें पश्चिम में तो ज्यादा दूर का तो नहीं मैं पता, पश्चिम में पता टोटल ठाकुर बीजेपी के खिलाफ है। आंदोलन हो रहे तो गुजरात में, राजकोट में आंदोलन हो रहा है, राजस्थान में हो रहा है, हरियाणा में हो रहा है, तो यहाँ पर कैसी हवा चल रही है? इन्होंने तो राजनाथ का पत्ता काटना शुरू कर दिया था, राजनाथ के नारे हम जुड़े थे, बड़गा राजनाथ आदत 18 साल पहले जी भी बीजेपी का पत्ता सपा हो रहा था, कुछ नहीं था बीजेपी में। और हम इसके लारे जुड़े ठाकुर सब, अरे राजनाथ के लारे ही हम रहे बीजेपी के पक्के ठाकुर, मतलब जितने ठाकुर पक्के बीजेपी के थे कोई बिरादरी नहीं थी। तो अब राजनाथ सिंह तो खुद कह रहे हैं कि विपक्ष बरगला रहा है, राजपूत समाज नाराज नहीं है। अजी राजपूत समाज कह रहे हो तो बीजेपी की वजह से कहना पड़े, अरे राजनाथ की जड़ खोज रहे बीजेपी वाले। कौन मंत्री? तो रक्षा मंत्री में पहुंचा दिया, अरिफ का सफाई कर देंगे, योगी को सफा करना सोच रहे हैं। कैसे? योगी के लड़ा बात कर रहे हैं, मोदी की सरकार बनोगे योगी खत्म। आपको ऐसा क्यों लगता है योगी को हटा देंगे? इतना हम इसके अटकने खड़े खिलाफ पड़ेंगे, इतना हमारा योगी के पानी जमेंगे। तो ये रैली जो केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला है उसने जो बयान दिया उसके खिलाफ है, और भी कुछ मुद्दे हैं? बजे मुद्दे तो इतने हैं, कहां लो बता मैं। तो गिना दो एक एक करके, देश भी देख ले क्या क्या मांगे आपकी। मांग समझे तो सही समाज और देश की जनता। कुछ थी नहीं तो अब क्या क्या है बताइए। बालियान ने भर्ती करवाई अपने यहाँ, टोटल जाट ले लिए फौज में, फौज में अग्निवीर योजना। हाँ जी, टोटल जाट ले लिए। कैसे? लंबे सारे सारे खत्म, और बिरादरी के भी। और बाल जब थोड़े हैं जाट एक मुट्ठी, उन्हें अहमियत दे दी। जयंत भी कुछ धंधा है, जयंत तो कुछ भी नहीं है। तो वो तो ये कहते हैं जाटलैंड है, जाटलैंड में हमने मजबूत किया वोट अपना। मजबूत नहीं है अब, ठाकुर सब जाए भाज गया। तो जयंत के आने से असर नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, हमारी सीट पर जाट, कैणा सीट पर 1,70,000 है और ठाकुर 1,05,000 है। ठाकुर 1,05,000 को गरीबों को बिलाड़ लेके जाएगा। तो ठाकुरों के साथ कोई और भी समाज आ गया, जैसे कश्यप हुआ, बाकी समाज है, है? सब है इसमें। और बालियान को तो बहुत तगड़ी हार दे। बालियान तो ये कह रहे हैं किसानों के लिए, गन्ना की फसलों के लिए बालियान आएगा वापस। अजी नहीं, नहीं आने का, नहीं आने का। एक दिन
जिताओगे मगर हम इस हराओगे। अच्छा, कम जिताओगे तो हम हराओगे। तो ये कितनी सीटों पे आपकी नाराजगी, खासतौर से जो स्थानीय प्रत्याशी, जैसे मुजफ्फरनगर में आप बालियान से नाराज हैं, कैराना में प्रदीप चौधरी से, और सीटों से नाराज हैं, सभी सीटों से। लो ताऊ इनसे पूछ ले क्यों नाराज हो, क्या हो गया, क्यों गुस्सा हो इतना? अब नाराज नो है जो वही फील्ड है जहाँ से इसका झंडा लेकर चले थे, किसका? भाजपा का। अच्छा, अरे संसद में देखता था तो अब दिल गोली खाई, अब दिल क्यों रूट गया आपका? अब दिल क्यों रूट गया है? हमारा दिन रूट गया, हमारे बालक गए थे भर्ती देखकर, अपने तो गंजे करके बैठा दिए। किसने? संजीव बाजान ने अपने गंजे करके बिठा दिए, हमारे पर बजवा दिया लठ, लठ बजवा दिया। क्यों? फिर वो जो गंजे हो रहे थे अपने भर्ती करवा रहे थे, टाइम भी चेंज हुआ है, टाइम भी चेंज हुआ है। अच्छा, फिर दूसरी बात, यो पूरा एरिया संजीव बाजान के छुलन जा रहा, गंडे उसी का। बालियान साहब तो ये कह रहे हैं कि जो ये छिटपुट चीजें कर रहे हैं, एक एक को बाद में हिसाब हो जाएगा। वो तो ये कह रहे हैं, हाँ हिसाब तो करेगा फिर बाद में। फिर डर नहीं लग रहा आपको? डर डर झंडा उठाता नहीं दे। अच्छा, एक बात और मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, तब एक बात और पूछना चाहता हूँ कि संगीत सोम साहब थे, उन्होंने 2014-19 में बालियान को बिल्कुल कंधे पे बिठा के बिल्कुल ले गए थे, इस बार वो चुनाव प्रचार में दिख नहीं रहे? देखिए, वो उनका अपना भाजपा का या पार्टी का या बालियान के अपने अपने संबंध। तो ये संगीत सोम के इशारे पे बंद हो रहा है? आपको मैं जड़ बताता हूँ, यहाँ विरोध बालियान का नहीं, भाजपा का विरोध कर रही, भाजपा की नीतियों का विरोध कर रही। विरोध कहाँ से शुरू हुआ, आप हमसे 20 वर्ष पहले चलिए, लगभग 22 वर्ष पहले गुजरात में दंगा हुआ, दंगे में मोदी की सरकार थी, उसमें गृह मंत्री अमित शाह थे, उनको जेल में डाल दिया गया, और जब उनकी जमानत की सुनवाई हाई कोर्ट में पहुंची, उस समय हाई कोर्ट की जज एक ठाकुर नेता थे हिमाचल के, उनकी बेटी थी, जब उनको जमानत नहीं मिली उनको वो खुंदक होगी। ठाकुर से ये कहां नाराज हुए? अच्छा, ये कह रहे आप गोधरा कांड के बाद से चले गए? गोधरा कांड के बाद, सुनिए पूरी बात, पूरी बात आपको सिलसिलेवार बताऊंगा। तो वो वीरभद्र सिंह उनका नाम था, हिमाचल के मुख्यमंत्री थे 2015 में, जब 2014 में इनकी सरकार बन गई, 2015 में वीरभद्र सिंह की छोटी बेटी की शादी की रस्म चल रही थी, उस समय कन्यादान चल रहा था, हम लोग जब से नजर लगा रहे कहाँ हो रहा। अच्छा, 14 से आप नजर लगाए बैठे हो? बताएंगे आपको हम पूरा सिलसिलेवार। बताइए बताइए, जिस समय कन्यादान कर रहे थे उस समय उनके यहाँ CBI का छापा पड़ा, क्योंकि उसके वो बात लगी हुई थी कि ठाकुर होने के कारण मुझे जमानत नहीं दी, तब से इसके हमारे प्रति नफरत है। शंकर सिंह बाघेला को इन्होंने खत्म करा गुजरात में, राजपूत मुख्यमंत्री, एक उनके कार्यकाल में गुजरात के इतिहास में कोई घोटाला बता दे, किसी समुदाय का झगड़ा बता दे। कुशाभा ठाकरे गुजरात के मुख्यमंत्री हुए, उनका शासन बजा रहा नहीं रहा, इस बात को गुजरात के लोग बता देंगे। आप पश्चिमी यूपी का मुद्दा? पश्चिमी यूपी का मुद्दा है, सबसे पहले हमारा मुद्दा ये है कि हमें उचित प्रतिनिधित्व, जो हम भाजपा के वोटर सपोर्टर थे, हमें उचित प्रतिनिधित्व क्यों नहीं दिया गया? तो आपके तो अभी यूपी की अगर बात करूं, 40 से ज्यादा विधायक तो बीजेपी के, क्षत्रिय समाज से सवर्ण है? सवर्ण है, लेकिन जब ये बताइए, मुजफ्फरनगर सीट पर 8% जाट वोटर है और 8% राजपूत है, राजपूत वोटर है, एक बार भी हमें मौका क्यों नहीं दिया गया? इसको जाट लैंड क्यों बताते हैं? उसका भी कारण बताता हूँ, इन्होंने 2014 में प्रयोग किया, बहुत कड़वी बात है, सच्चाई है कि क्या मुसलमान के बिना भी सरकार बनाई जा सकती है, वो इनका प्रयोग सफल हुआ। भाजपा ने किसी मुख्तार अब्बास नकवी को या किसी को भी टिकट नहीं दिया, इनके मुंह खून लग गया। 2019 में इन्होंने मुद्दा बनाया कि क्या ब्राह्मणों के बिना भी सरकार बनाई जा सकती है, इनके मुंह खून लग गया, वो सफल हो गई। इस बार इन्होंने कहा कि OBC 40% पूरे भारत में है, क्या राजपूत के बिना भी सरकार बनाई जा सकती है? तो इस बार इन्होंने जो प्रयोग किया, एक बात बताइए, बैठ रही आप बैठ को बता दो कोई बात नहीं। हाँ, जनरल VK सिंह जब 4.5-5 लाख वोटों से जीत रहे हैं, उनकी आयु 72 वर्ष है, तो उनका क्यों काटा गया? अच्छा ठीक है, आप बात कर रहे हो, यहाँ मैं देख रहा हूँ, भाई साहब के पास जाऊँगा सबसे पहले, अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा भाई साहब के पास लेके आओ। भाई साहब, आपकी भी कुछ नाराजगी है क्या? क्या नाराज है, क्यों गुस्सा है, आप क्यों गुस्सा है? ये तो ये कह रहे हैं ठाकुरों का बिल्कुल प्रतिनिधित्व खत्म कर रहे हैं, इसलिए हम गुस्सा है। हम भी ठाकुर, ये हमारे भाई है, हम इनके भाई है, यहाँ भाईचारा है, तो बिल्कुल आप राजपूतों के साथ है, हाँ जी, जाए रहेंगे, हम रहेंगे,
जहाँ ये वहाँ। अच्छा ये बड़ी बात कह रहे हैं आप, बीजेपी में आरोप लगा रहे हैं? हाँ जी। क्या बीजेपी ने दंगा करवाया था मुझे? उस वक्त अखिलेश की सरकार थी, अखिलेश की सरकार थी, पर झगड़ा जो करवाया था बीजेपी वालों ने करवाया था उन्होंने। 2013 की बात कर रहे हैं ना? हाँ, बीजेपी वालों ने कराया था। कैसे? बीजेपी वालों ने ऐसा करवाया था, इधर क्षेत्र में ना कोई पूछने वाला नहीं था, कोई घास गिरने वाला नहीं था, इन्होंने इसीलिए करवाया था। भला जी आपस में लड़वा के हिंदू मुस्लिमों को, हम तो भाई जाए। अब तो बाबा आए थे, योगी बाबा कह रहे थे कि भाई ठाकुरों को कोई नाराज़ नहीं। बाबा है, बाबा से कोई नाराजगी नहीं है? सब क्या है, बाबा से कोई नाराजगी नहीं है? कोई नाराजगी नहीं बाबा। नाराजगी किससे फिर? नाराजगी है संजीव बाबा जानते हैं, और बीजेपी से नाराजगी है, बाबा से कोई नाराजगी नहीं है। तो बाबा तो बाबा ही है, तो उसका तो बुलडोजर। तो बीजेपी में किस किस से नाराजगी है? नाराजगी बीजेपी से हुई है जो बता दी जनता। संजीव बालियान, मोदी, शाह? नहीं मोदी साथ नहीं, हम मोदी से नहीं। अच्छा, न मोदी से कुछ नहीं, मोदी और योगी दोनों आ जाओ, हमें कोई ऐतराज नहीं। तो वो तो वोट मांग रहे हैं। कौन? वो तो ये कह रहे हैं कहीं नहीं गया राजपूत समाज। उन्होंने युद्ध नहीं करा काम, हमें क्यों? हम कहाँ छोड़ दिए, हम कहाँ छोड़ दिए, हमें क्यों विदा कर दिया? हमें देश में हम है ही नहीं, या हमारी कुछ वोट ही नहीं, या कोई हमारा काम ही नहीं। तो है तो भी है तो सही बाबा, यूपी के बाबा आपके राजपूत हैं, राजनाथ सिंह राजपूत हैं। राजपूत हैं, पक्के हैं, असली हैं। लेकिन बात क्या है, वो तो बात नहीं आ रही है। ये तो ये कह रहे हैं योगी, ये तो ये कहना चाह रहे हैं कि योगी से बैर नहीं है वाले, हम मोदी के खिलाफ और ना ही हम योगी के खिलाफ। किसके खिलाफ? सिर्फ हम हैं तो बालियान के। और ये पुरुषोत्तम रूपाला जो बयान दे रहे हैं, एक मिनट बालियान ने जितनी भी भर्ती कराई वो सिर्फ जट्टों की कराई, राजपूतों को, मुसलमानों को या किसी को भी जगह दी क्या? हमें नाराजगी हो है। दूसरी बात, उनके क्षेत्र को देखो बालियान के और हमारे क्षेत्र उठाता क्या है, अगर आप भर्ती की बात कर रहे हैं तो कुछ युवा साथी भी हमारे साथ, 3-4-5-6 जो भी है, ये सब भी युवा है। आप ये सही लोग कह रहे हैं कि अग्निवीर में घोटाला हुआ है? ये सही कह रहे भैया, मैं 2018 में भर्ती हुआ था, जितने भी सहारनपुर, गाजियाबाद और बड़ौद भर्ती हुई, जितने भी हुए, जो कर्नल आया था संजीव बाले ने अपने कमरे पे कहीं भी बैठा गए उसको, जो भी मतलब दवा पानी से खर्चा पानी जो दिया, जितने भी लड़के हुए फर्स्ट ग्रुप में या सेकंड में थर्ड में, जितने भी छूटे सारे जाट के लड़के भर्ती हुए। अच्छा एक सवाल हो रहा है यहाँ पे, जितने भी युवा है पूरे भारत में, एक सवाल हो रहा है मेरा, सुनो। पहले 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 फौज की बढ़िया लंबी नौकरी होती थी भैया, पहले फौज की लंबी नौकरी होती थी, अब 4 साल वाला खेल है, तो इससे आप लोग खुश है? नहीं, कोई ये तो कह रहे हैं कि मोदी जी से कोई दिक्कत नहीं है, 5 साल को तो गांव का प्रधान बने, 4 साल क्या मोदी जी की भर्ती गलत है? नहीं, मोदी जी की भर्ती गलत नहीं, ये पब्लिक की गलती। अरे देखो बाबा, बाबा एक राजपूतों की थी, यही तो बची गई हमारे गांव से। बाबा तो कह रहे मोदी जी की गलती नहीं है, किसकी गलती? सुनो आप बताओ, चलो इधर ठीक है, हाँ बताओ, उधर कैमरे पर देखते हैं, झुल के मोदी जी को भी फांस रहे, फांस रहे, हाँ हमारे योगी को भी फांस रहे, मोदी को इसी गांव से, इसी गांव से, अब तक मतलब जितने भी हो गए, लेकिन अब ये स्थिति है, ये जो भर्ती जब से गवर्नमेंट आई है। अच्छा इस सरकार के अग्निवीर चल हो गए, और भी कुछ काम ऐसे लगते हैं आप लोगों को कि युवाओं के लिए जो होने चाहिए थे लेकिन हुए नहीं, जैसे एक खेल यूनिवर्सिटी बनवा रहे थे जी, खूब कोशिश करी जी से मुझे पन्नागढ़ ले जाने निकाल के यहाँ से, खूब कोशिश करी मेरठ से, यहाँ सलाहकार कौन चाह रहा है? अमित शाह। क्यों चाह रहा है राजपूतों में कभी एकता हो सकता है? तेरा कुछ बिगाड़ सकते हैं, जो तेरे जिम्मा वो कर रहा है, क्या क्या कर रहे हैं? जो भी जिम्मा है वही कर रहा है, हम जो जैसे वो ना करता और तो आज यहाँ पे खड़े होते हैं, वहाँ के हम सड़कों पर उतर रहे। कोई शाह को जिम्मेदार बता रहा है, कोई मोदी को बता रहा है, वोट देने की नहीं कमल के फूल को, साइकिल हमने लाठी खाई थी, सबसे पहली लाठी इन्हीं ठाकुरों ने खाई थी, और उसी लाठी से इस बीजेपी को
जड़ मिली थी, लेकिन यहीं से इसी मैदान से हम उखाड़ के फेंक इस बीज को, इसी मैदान से 7 तारीख में हुई थी महापंचायत, दिखाया था वहाँ से। पूरी पिक्चर है आज, पूरी पिक्चर दिखा देंगे, हिट हो जाएगी 4 तारीख में, तो हिट हो जाएगी। लड़ाई अब बिना है तो बड़ी है, तो पर्दे पे जो धमक दिखनी चाहिए थी वो दिख जाएगी, तो देश को दिख रही, मोदी को भी दिख रही। युद्ध कहाँ तक टाला जाए, क्रोध कहाँ तक पाला जाए, ये भी है राणा के वंश फेंक वाला जा तक जाए। चलो हम ताऊ को और पकड़ लेते हैं, ताऊ सिर्फ सुन ही रहे हैं, बोल बोलने को कुछ तैयार नहीं है। ताऊ ये सब जो बात कह रहे हैं कि बालियान इनको अच्छा नहीं लग रहा, मोदी को भी बुराई कर रहे हैं, अग्निवीर योजना को भी गलत बता रहे हैं, आपकी तो उम्र ठीक ठाक होगी, आपने कई सरकार देखी होंगी, पहले की कांग्रेस सरकार और अब की मोदी सरकार। भाई मोदी सरकार हर की तो ऐसी सरकार होनी मुश्किल है, ये कहो बड़े बालक है ये नहीं भी पता इस बात का, मोदी सरकार होनी जैसी ऐसी तो हो ही नहीं। इतने तो लड़ रहे यही लोग, और जो उनसे लड़ा रहा हम लोग जो उनसे ही नहीं थे भैया नहीं थे, जो उनसे फौज में बैठे वहाँ से बॉर्डर पे भी लड़ रहे, जो मतलब वहाँ से इतना काम कर रहे, मोदी ने कितना काम करवा दिया। ये सरहदों की बात नहीं कर रहे, ये कह रहे काम करवा दिया, लेकिन अग्निवीर योजना युवा सड़क पे आ गए तो ये कह रहे 4 साल की नौकरी है बस, 4 साल की नौकरी में ये कह रहा है कि बिल्कुल बॉर्डर वाले एरिया बढ़िया कर दिए। एजुकेशन के नाम पे जीरो है जी, स्वास्थ्य के नाम पे जीरो है, वो तो आयुष्मान कार्ड कह रहे सब कह रहे हैं, हम भी लेके घूमे जी 5 लाख का, जिस जिसमें बढ़िया इलाज हो वहाँ वो चलता नहीं, और जिसमें मना कर दें साहब, और जहाँ जहाँ यहाँ चले ये सही है कि यहाँ नहीं, तो वो तो एक आयुष्मान से हमने पूरा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, संचार करवाए पर कार्ड एक जगह नहीं चलता जी, एक जगह भी हमने भी करवाया, मैंने खुद करवाए अपने पापा का ऑपरेशन, मना कर दिया। तो और कौन सी योजना नहीं चलती जो है हवा हवाई बातों में, लेकिन जमीन पे कुछ असर नहीं है। सब जगह गोरखपुर में एम्स बना दिया, एक बात बताओ गोरखपुर में एम्स बना दिया, इधर ऋषिकेश में बहुत दूर एम्स है, ऋषिकेश में है एम्स, दिल्ली में एम्स है, गोरखपुर में एम्स है, यहाँ के लोग क्या है बेवकूफ है, यहाँ के लोग जो भागे फिरेंगे इलाज के लिए दिल्ली में, दिल्ली में दिल्ली तो जी दिल्ली अपना स्टेट है भाई, स्टेट है दिल्ली, लेकिन देखो सारे खुश हैं, ताओ कितने बालक है वो पूछ रहे हैं आपके, चार हैं सारे खुश हैं, या घर वाली सब खुश हैं, बच्चे सब खुश हैं, क्या पूछ रहे हैं वो, बोल रहे हैं सब परिवार में सब खुश हैं इस सरकार में, इस सरकार से मतलब जो सुसरा अपने आप ही ना करे तो वो तो फिर बिना करो कहीं तक खाने को रहने का खाना पड़ेगा, हमें तो साइकिल की भी याद है, हम तो देंगे चाहे हत्ती को देनी हो पर साइकिल को हम देंगे। हाँ। ये भाई साहब कह रहे साइकिल कहने तो भैया 2000 इसी खेड़ा गाँव की, ये तो कह रहे बीजेपी वालों ने दंगा करा, हम उसे देंगे जो बालियान को हराएगा, बालियान को वही देंगे इस हरेंद्र मलिक को, हम तो भैया हत्ती को देंगे, मैं तो साइकिल अबलो चूतड़ों में लिख दी ना, तो बीजेपी अच्छा बिना गाली के बता दो बीजेपी को क्यों नहीं, राजपूत समाज तो बीजेपी के साथ रहा, बीजेपी को भी दे देंगे जो बीजेपी देने वाले दे रहे काम थे दे रहे आदमी दे रहे, बीजेपी तो ये समझ रही कि राजपूत गुलाम है, ये तो मेरे कोई वोटी नहीं है, साइकिल हजम नहीं हो रही। सुनो अखिलेश यादव पता क्या कह रहे हैं, अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार राजपूतों का जो वचन पे अपने अड़े रहते हैं उनको बिल्कुल इज्जत नहीं दे रही, अखिलेश यादव तो कह रहे हैं यार कहने को कोई कुछ भी कह दे, अच्छा चले यहाँ तो कहीं भी देख लो ताऊ आप बता दो, चलो अरे आप और बता दो भैया, हम तो एक बात जाने योगी के और मोदी लोग हमारी बात पूछाओगे तो ऐसा प्रतिनिधि चाहता हम पहुँचाने के लिए आए नहीं जाते हम तो आप पूछा दोगे जो दुख सब देखते हैं वो नहीं सब देखते हैं। अरे अग्निवीर की बात बताऊं, गाली नहीं देनी ना, गाली नहीं देनी, गाली नहीं, अग्निवीर की बात बताऊं, लद्दाख में गोरखा रेजिमेंट सारे चीन में भर्ती होने लग रहे, इसकी सरकार की वजह से चीन में भर्ती होने लग रहे हैं हमारे भाई गोरखा रेजिमेंट। चलो तो मैं यहाँ दिखाऊंगा अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा, यहाँ लगातार नारेबाजी का दौर जारी है, यहाँ पर जो जुटान है वो काफी ज्यादा, लोगों की भीड़ आप देख सकते हैं कैमरे पर्सन कैमरे की नजर से, हमारे कैमरे में कैद हो रही है कुछ तस्वीरें, हम कुछ और लोगों से भी यहाँ बात करेंगे, लगातार हम बात कर रहे हैं, ये भाई साहब इन भाई साहब से भी पूछ लेते हैं, इस बार राजपूत समाज ने क्यों क्या हो गया ऐसा जो कसम खा लिया बीजेपी के साथ नहीं जाना, करके दिया है तो वो तो ये कह रहे हमने तमाम पूरा देश बदल दिया, तमाम काम कर दिया देश को, कितने सालों का अच्छा स्थानीय मुद्दे हैं या देश के मुद्दे हैं, देश के मुद्दे भी हैं,
कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई रूपाला ने जो बयान दिया है उसको लेकर नाराजगी है, कुछ कह रहे हैं बालियान से नाराजगी है। बालियान तो जब हमने वोट दी थी जब आया था आप कहाँ से हैं? मैं सरदाना से हूँ। सरदाना से बताइए आप राजपूत समाज इतना क्यों एकदम रूठ गया है बीजेपी से? राजपूत समाज ने ही इस भारतीय जनता पार्टी को बनाया था, इसको जो फर्श से अर्श पर पहुंचाने वाला है वो भारत क्षत्रिय समाज ही है और आज यही इसे दफन करने जा रहा है। क्योंकि हमारी नाराजगी इसलिए है जो यहाँ के सांसद महोदय हैं वो अपने आप को एक बाहुबली बताने की कोशिश करते हैं। बाहुबली जनता से बनता है। आपकी नाराजगी मेरी ये समझ में आया सांसद से है, पार्टी से है, किस आज से है? की जो ये आज चुनावी जो ताबूत है ना, आज उसमें सांसद के खिलाफ आज आखिरी की ठोकने का काम क्षत्रिय समाज करेगा। और क्या चाचा भी साथ देंगे? चाचा को थोड़ा आगे बुलाना, चाचा इधर आइए, चाचा को बुला लो। यहाँ राजपूतों के अलावा आपके साथ और भी लोग आ गए? ये भी हमारे भाई हैं, ये भी राजपूत भाई हैं। आपके राजपूत हैं भैया? अच्छा आप भी राजपूत हैं? क्षत्रिय किसे कहते हैं? एक मिनट, क्षत्रिय किसे कहते हैं बताइए। क्षत्रिय कहा जाता है जो दूसरों को सौंपी मान के चला है, क्षत्रिय उसे कहा जाता है जो सबको साथ लेकर के काम करे, क्षत्रिय उसे कहा जाता है जो दूसरों के लिए जिए, क्योंकि अपने लिए तो जानवर भी जीते हैं। क्षत्रिय समाज वो है जो सबको साथ लेकर के चलता है। तो बीजेपी तो कहते हैं हमने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अरे सबका विनाश, विनाश सबका विनाश, वो विश्वास कहते हैं आप, विनाश कह रहे हैं। मैं बताऊं कैसे करा, मुझे एक बात बताओ, महंगाई कितने प्रतिशत बढ़ गई, किसान का गन्ना कितने रुपए बढ़ा 10 साल में 20 रुपए, अपनी पेंशन वो तो कहते हैं डबल कर दिया। सुनिए ठाकुर साहब, अपनी पेंशन हर 5 साल में, यदि विधायक 2 साल में रिटायर हो गया, चुनाव दोबारा हो गए, उसकी पेंशन बंद की। एक हमारा जवान 60 साल नौकरी करके आ रहा, काय में CRPF में करके आ रहा, यूपी पुलिस में करके आ रहा, उसकी पेंशन खत्म क्यों क्यों खत्म करी गई? क्योंकि इनके पास पैसा नहीं, अपना भत्ता हर साल बढ़ा ले। गेहूं का दाम आज 2500 रुपए है, 2500 रुपए, ढाई का कट्टा 1300 रुपए का जो 40 किलो कर दिया, यूरिया कट्टा 400 रुपए का जो 40 किलो का कर दिया, वजन घटा रहे और दाम बढ़ाने रहे, हमें लड़ा लगा रहे। वो तो कह रहे किसानों की आय हमने दुगनी कर दी, तमाम रोजगार दे दिया, डिजिटल क्रांति कैसे कर दिया? मेरी बात सुनिए, राजभाया में पानी नहीं आता, ये राजभाया है। माता की से सवाल करेंगे, सरकार ने पानी फ्री किया है ना, तब से राजभाया में पानी नहीं आ रहा। पत्रकार बंधु चलिए मैं अभी आ रहा हूँ, जरा कुछ और तस्वीरें अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा, थोड़ा यहाँ देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पर जोश नजर आ रहा है, राजपूत समाज के लोग हैं, लगातार यहाँ पर भीड़ है वो पहुँचती जा रही है। और मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि ये लगातार ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। फिलहाल कैमरा पर्सन सचिन यादव के साथ मैं राहुल ठाकुर, खेड़ा गाँव मेरठ, नमस्कार।